वेलकम टू पुनेसल। आज मैं आपके लिए बहुत सुंदर सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही आसान है और मैंने इसे अपनी जैकेट में डाला है। आप इसे कार्डिगन में भी डाल सकते हैं और बच्चों के किसी प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं। यह बहुत ही आसान डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन 12-12 के मल्टीपल के फंदे से बनता है और एक फंदा इसमें एक्स्ट्रा डाला जाता है। चलिए मैं इसे आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखिए, मैंने सिलाई में फंदे डाले हैं और मैंने इसमें 4 सिलाई उल्टी सीधी डाल ली हैं। जब आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डालोगे, अगर आप लेडीज़ कार्डिगन में या लेडीज़ जैकेट में डाल रहे हैं, तो इसमें कोई भी डिजाइन वाला बॉर्डर बना सकते हैं। चाहे तो आप इसमें उल्टी उल्टी सिलाई भी डालकर ये डिजाइन शुरू कर सकते हैं। जैसे भी आप चाहे ऐसे बना सकते हैं। पहला फंदा बिना बना उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फिर धागा आगे करेंगे, 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फिर धागा पीछे करेंगे और 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 7 और फिर 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 फिर धागा पीछे करेंगे, 7 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखिए 7 फंदे सीधे बन गए। अब ये 5 और 7 के इसमें ही ये डिज़ाइन बनता जाएगा, पूरी रो ऐसे ही बनेगी, 2, 3, 4, 5 धागा पीछे करेंगे और 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 4, 5, 6, 7 और 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। एक फंदा हमारा सीधा हो जाएगा। देखिए इधर भी हमारे 2 फंदे उल्टे थे और इधर भी हमारे 2 फंदे, एक फंदा हमारा बराबर वाला सीधा था। अब हमारी दूसरी रो, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, जो फंदे हमने 2 फंदे इधर उल्टे बनाए थे, इधर हम दोनों फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2 और 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे, जो हमने उधर सीधे बनाए थे इधर हम उल्टे बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फिर धागा पीछे करेंगे, 5 फंदे हमारे सीधे बनाएंगे, उधर हमने उल्टे बनाए थे। देखिए उल्टी सिलाई में हमारी दूसरी रो में 7 फंदे उल्टे बनेंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, 7 फंदे फिर हम उल्टे बनाएंगे, 2 पीछे करेंगे, 5 फंदे फिर सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, 7 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 पीछे करेंगे, 5 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, 7 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे। अब हमारी तीसरी रो, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, जो हमारी पहली सिलाई थी
हमारी तीसरी सिलाई भी पहले जैसे ही बनेगी, यानी कि जो जैसा है उसके ऊपर ऐसा ही बनेगा। उल्टी सिलाई भी ऐसे ही बनेगी और ये भी तीसरी और चौथी सिलाई हमारी सेम ही बनेगी। सात फंदे सीधे और पांच फंदे उल्टे हमारी सीधी सिलाई में। ये हमें चार सिलाई ऐसे ही डालनी है। पहली और तीसरी सिलाई भी सेम बनेगी, दूसरी और चौथी सिलाई भी सेम ही बनेगी। ठीक है, हमारी तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। हमारी चौथी सिलाई पहला फंदा बिना बुना जो जैसा है वो ऐसा ही बनता जाएगा। देखिए हमारी चौथी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है, ऐसा बनकर आया है। अब हमारी पांचवी सिलाई, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और धागा आगे करेंगे, इसको हम ऐसे सिलाई पर लपेटेंगे और दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे पलटेंगे और दो का एक कर देंगे। जो हमने धागा लपेटा था जाली बन गई, ये हमारा एक फंदा इधर बढ़ गया और इधर हम घट जाएगा। फिर हम चार फंदे सीधे बनाएंगे और फिर हम एक और दो, इन दोनों फंदों का एक कर देंगे, ऐसे धागा आगे करेंगे, दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे। जो हमारे पांच फंदे उल्टे हैं इस पर इसको हम दो फंदे इस पर उल्टे बना लेंगे और एक फंदा हमारा बीच वाला फंदा इस पर जाले डालेंगे और ये सीधा बुनेंगे। धागा आगे ही रहेगा और ऐसे जाले डालते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, सिलाई पर ऐसे लपेटेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और फंदे को ऐसे पलटेंगे और दो का एक कर देंगे। फिर हम चार फंदे सीधे बनाएंगे और फिर हम ये दो का एक कर देंगे। देखिए पहले हमारे पास सात फंदे थे तो अब पांच फंदे रह गए और इसमें हमने दो फंदे उल्टे बनाए और बीच वाले फंदे पर जाली डाली है। फिर धागा आगे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे रहेगा और जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बनाएगा। फिर धागा आगे करेंगे, सिलाई पर ऐसे धागा लपेटेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर फंदे को ऐसे पलटते हुए दो का एक करेंगे और फिर हमारे ये चार फंदे सीधे बन गए और पांचवें फंदे पर हम इनको हम ऐसे दो का एक कर देंगे। धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा आगे ही रहेगा और ऐसे जाली डालते हुए एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। फिर धागा आगे करेंगे, सिलाई पर ऐसे लपेटेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और फंदे को ऐसे पलटेंगे और दो का एक कर देंगे। हम फिर चार फंदे ये हमारे सीधे हो जाएंगे और फिर हमारे पांच फंदे पर और छठे पर इनका दो का एक कर देंगे और ये हमारे पांच फंदे रह जाएंगे। फिर धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे और फिर धागा हमारा आगे रहेगा, इस सीधे वाले फंदे पर ऐसे जाली बन जाएगी। तो हमारी छठी सिलाई उल्टी सिलाई, पहला फंदा बिना बुना और जाली वाले फंदे को भी हम उल्टा ही बना लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, दो फंदे हम सीधे बनाएंगे।
धागा आगे करेंगे, पांच फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे। धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, तीन फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे। जो हमारे एक फंदा बीच का सीधा था और एक हमारे बराबर का जाली वाला फंदा था। फिर धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, पांच फंदे उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, पांच फंदे सीधे बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, पांच फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे। देखिए हमारी ये छह रो कंप्लीट हो गई हैं। देखिए ऐसे हमारे बीच में जाली डल गई है। अब हमारी डिजाइन की सातवीं सिलाई, पहला फंदा बिना बुना और एक फंदा और हमारा सीधा बन जाएगा जो हमारा जाली का था। फिर ऐसे धागा आगे करेंगे और सिलाई पर लपेटते हुए दो फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, फंदे को ऐसे पलटते हुए दो का एक कर देंगे, एक फंदा हम बीच में फिर सीधा बनाएंगे, फिर हम दो का एक कर देंगे। अब हमारे पास तीन फंदे बच गए हैं। फिर धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा हमारा आगे रहेगा और तीन फंदे हमारे सीधे बन जाएंगे। धागे आगे करेंगे, सिलाई पर लपेटेंगे, दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, फंदे को ऐसे पलटेंगे और फिर हम दो का एक कर देंगे, एक फंदा फिर सीधा बनाएंगे, फिर हम दो का एक करेंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा आगे करते हुए जाली डालते हुए तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, सिलाई पर ऐसे लपेटेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, फंदे को ऐसे पलटेंगे और दो का एक कर देंगे, एक फंदा फिर हम सीधा बनाएंगे, फिर हम दो का एक कर देंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे और धागा आगे ही रहेगा, जाली डालते हुए तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा आगे रहेगा, ऐसे फंदे को ऐसे लपेटते हुए सिलाई पर दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे रहेगा और फिर फंदे को ऐसे पलटते हुए दो का एक कर देंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे और फिर ऐसे जाली डालते हुए दो फंदे हम सीधे बनाएंगे। देखिए बीच में हमारे पे पांच फंदे हो गए सीधे और बराबर में हमारे पास ये तीन तीन फंदे हो गए हैं। अब डिजाइन की आठवीं सिलाई, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, दो फंदे हम फिर उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और पांच फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे,
पांच फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे फिर सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे, उल्टे बनाएंगे सॉरी, और दो फंदे धागा पीछे करेंगे, दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे। अब हमारे डिजाइन की नवी सिलाई, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, सिलाई पर ऐसे लपेटेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फंदे को ऐसे पलटेंगे और हम तीन का एक कर देंगे। देखिए धागा आगे करेंगे, दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे और धागा आगे करेंगे, जाली डालते हुए पांच फंदे हम सीधे बनाएंगे। धागा आगे करेंगे, सिलाई पर ऐसे लपेटेंगे और दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और फंदे को ऐसे पलटेंगे और तीन का एक कर देंगे। धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे और धागा आगे ही रहेगा, जाली डालते हुए पांच फंदे हम सीधे बनाएंगे। धागा आगे करेंगे, सिलाई पर ऐसे लपेटेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फंदे को ऐसे पलटते हुए तीन फंदे का एक कर देंगे। धागा आगे करेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा आगे रहेगा, जाली डालते हुए पांच फंदे हम सीधे ही बनाएंगे। धागा आगे करेंगे और सिलाई पर ऐसे लपेटेंगे और दो फंदे हम सीधे ही बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और तीन का एक कर देंगे। देखिए हमारे ये सात फंदे थे ना, तो अब हमारे पास एक ही फंदा रह गया है और इधर हमारे पास सात फंदे हो गए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात। फिर धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे और धागा हमारा आगे रहेगा और तीन फंदे हम जाली डालते हुए सीधे बनाएंगे। देखिए ये डिज़ाइन हमारा ऐसे बनकर आया है। अब हमारे डिज़ाइन की दसवीं सिलाई जो कि उल्टी सिलाई है, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, सात फंदे हम उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे और दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और एक फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, पांच फंदे उल्टे बनाएंगे। सात फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, सात फंदे हम उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, चार फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए ये हमारा 10 सिलाई में हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है।
देखिए अब मैं आपको जो हमारा यहाँ से शुरुआत हुई थी वो अब मैं आपको ये वाली सिलाई एक बनाकर दिखाती हूँ। देखिए पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और बीच के देखिए हमारे ये सात फंदे उल्टे बनेंगे, सॉरी सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 जो हमारा एक फंदा ये रह गया था ये हमारा बीच में आएगा, तीन फंदे इधर आएंगे और तीन फंदे इधर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फिर धागा आगे करेंगे और पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 3 4 5 और फिर धागा पीछे करेंगे वही हम सात फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए देखिए दो उल्टे फिर सात सीधे और पांच उल्टे सात सीधे, यही डिजाइन हमारा अब रिपीट होता चला जाएगा। धागा आगे करेंगे, पांच फंदे, धागा पीछे करेंगे सात फंदे हमारे सीधे हो गए, धागा करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए ये हमारे डिजाइन के दूसरा डिजाइन अब से शुरू हो गया, जो हमारा यहाँ से शुरू हुआ था ये हमने यहाँ पर शुरू कर दिया है। मैं आपको और थोड़ा सा बनाकर दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये बना लिया है और ये बनकर ऐसा आया है, बहुत ही सुंदर डिजाइन है, इसे बिगनर भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। देखिए बहुत प्यारा डिजाइन है, आगे से ऐसे और पीछे से भी इसका डिजाइन ऐसा आता है, देखिए पीछे से भी ये बहुत सुंदर डिजाइन लगता है। मैंने इसे बना लिया है, आप भी इसे बनाकर देखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। थैंक यू।